हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सी एस सी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी लेटर जारी हो गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमानगढ़ ज़िले के जितने भी ई मित्र हैं, कियोस्क धारक जो जो ग्रामीण में हैं ई मित्र, जैसे मान लो कोई अटल सेवा केंद्र में काम कर रहा है या फिर कोई सरकारी एजेंट ग्रामीण क्षेत्र में बैठ कर काम कर रहा है, उनके लिए स्पेशल तौर से लेटर जारी हो गया है। वो अपने ई मित्र से अब काम कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं ई मित्र से। आज की तारीख में एक लेटर भी जारी हो गया है हनुमानगढ़ से, वो लेटर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, और उस लेटर की भी आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए दोस्तों, आज की तारीख में लेटर जारी हुआ है, इसमें दिनांक भी लगी हुई है आज की 20/4/2020। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष ई मित्र सोसाइटी हनुमानगढ़ लिखा, भारत में कोरोना COVID-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में दिनांक 3/5/2020 तक मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 15/4/2020 को जारी गाइडलाइन के मुख्य बिंदु संख्या 14 के उपबिंदु 4 गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉमन सर्विस सेंटर CSC एट ग्राम पंचायत लेवल एवं श्रीमान आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर के पत्रांक ML 315 दिनांक 20/4/2020 के द्वारा में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र पर, मतलब जो भी ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं वो ई मित्र वाले में कार्यरत ई मित्र परियोजना के कियोस्क धारकों द्वारा ई मित्र की सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई मित्र कियोस्कों को निर्देशित किया जाता है कि वियरिंग ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना के साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन अनुसार अपने कियोस्क में 1% हाइपोक्लोराइट के द्वारा दरवाजे कुर्सियां अलमारियों के हत्ते मेज सीढ़ियों की रेलिंग फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य स्पर्श में आने वाली वस्तुएं उपकरण आदि पर दैनिक रूप से पोंछा लगवाया जाए तथा बायोमेट्रिक डिवाइस को 1% हाइपोक्लोराइट के द्वारा समय समय पर साफ करते हुए ई मित्र सेवाओं को प्रदान करने हेतु सुनिश्चित करें। ये देखिए दोस्तों, आज की तारीख में ये लेटर जारी हुआ है। तो दोस्तों, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में ई मित्र वाला है उनका काम चालू हो गया है। वो ग्रामीण क्षेत्र वाला ई मित्र भाई काम कर सकता है अपना, जो भी काम करना चाहे वो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।